अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो के अंदर आपके साथ दो अहम तरीन अपडेट को शेयर करना है, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहली अपडेट नाज़रीन मोहतरम, और दूसरी इससे भी अहम है तो वो भी आपने ज़रूर सुननी है। सबसे पहले कि नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम हज़रात जानते हैं कि अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब कराची के अंदर तशरीफ़ लेकर गए हुए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, न्यू मस्जिद मेमन के अंदर अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा है, और स्क्रीन पर आप नाज़र भी देख रहे हैं। और अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है कारकुनान के साथ जो है वो मुसाफा फरमा रहे हैं। किसी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी वगैरह जो है वो नहीं, तमाम कारकुनान से ओहदेदारान से आप मुसाफा जो है वो कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान है, लेकिन आप बिल्कुल भी जो है वो घबरा नहीं रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा एक एक कारकुन जो है वो हमारी जान है। जी या नाज़रीन मोहतरम, तो अलामा साद हुसैन निजी साहब के इस अमल के लिए एक लाइक और कमेंट के अंदर एक जुमला ज़रूर रखें। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चला जाऊँ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के रुकन शुरा डॉक्टर अलामा शफीक अमीनी साहब, उनकी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हाजी हबीब अत्तारी साहब, उनसे मुलाकात, जिसके मनाज़िर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है कि जो दावत इस्लामी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान जो है इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लबैक पाकिस्तान और दावत इस्लामी का एक ही मकसद है, और वह है हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आना। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सेलेक्ट ऑल फॉर मोर वीडियोज़।